तो स्वागत है आपका एम के एग्री नॉलेज पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके का, जो यूपी कैटेट में 2021 में पूछा गया था। 25 क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको इस सीरीज़ में बताएंगे जो जीके में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी मर्ज टुगेदर इज कॉल्ड। जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को दोनों को मर्ज कर देंगे तो दोनों क्या कहलाएंगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है फर्स्ट, संसद टीवी। देन सेकंड है, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया, कितने स्टेट इंडिया में हैं। तो इसका आंसर कितना है, 28 ऑप्शन है, 29 है, 27 है, 35 है। तो इसका करेक्ट आंसर है 28। देन थर्ड है, व्हेन शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च, 16 जुलाई, 22 अप्रैल और 23 दिसंबर। तो ये जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, और जो 16 जुलाई है, 16 जुलाई को जानते हैं आप आईसीआर डे है, और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं या फिर फार्मर डे मनाते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी सेलिब्रेटेड नेशनल वैक्सीनेशन डे। हम नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, 8 मार्च, 21 मार्च, 16 मार्च और 10 फरवरी। तो जो 8 मार्च को आप जानते हैं क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को हो गया, और यहाँ पे 16 मार्च जो है वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज गिवन टू विच एक्टर। तो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किस एक्टर को दिया गया था। हम लोग भी इस एग्ज़ाम को दिए थे, तो मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, अमिताभ बच्चन लगा दिए थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो रजनीकांत था। देन है, विच स्टेट हैज़ इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट कोविड वैरियर। तो कौन सा ऐसा स्टेट था जो फर्स्ट कोविड वैरियर बना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका उड़ीसा है। देन है, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो इसमें आंसर है, हाईएस्ट फॉरेस्ट पॉपुलेशन होगी जहाँ तक, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है। देन आगे है, सुशासन दिवस सेलिब्रेटेड ऑन। तो सुशासन दिवस है कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 दिसंबर। देन है अगला, इन विच स्टेट अटल टनल सिचुएटेड। जो अटल टनल है किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश, अटल टनल हिमाचल प्रदेश में है। देन है, विच स्टेट इंडिया हैज़ 3 कैपिटल्स। इस इंडिया के कौन से कैपिटल की तीन, कौन से स्टेट की 3 कैपिटल हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो इसके तीन हैं, जो सबसे पहली कैपिटल वो मानी जाती है अमरावती में, और कौन कौन है, विशाखापट्टनम में है। थर्ड कौन सी है, कुरनूल में मानी जाती है। तो इसकी जो आंध्र प्रदेश है वो इसकी 3 कैपिटल हैं। देन है 11, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल क्या है। तो डेनमार्क की कैपिटल कॉपेन हैगन है। देन 11th क्वेश्चन था, वेयर इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है। तो आप सब लोग जानते होंगे जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर, ये
फिलीपींस में है थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस में लोकेटेड है। देन थर्टींथ क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे। मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट कंट्री जो है वो अपनी इंडिया है। देन है वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो पल्स डे है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, देन है CEO ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग के CAO कौन है? तो इसके नीति आयोग के CAO अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष से पूछा जाता है, चेयरमैन तो नरेंद्र मोदी होती, लेकिन यहाँ पे CEO ने CEO पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर अमिताभ कांत हैं। देन है विच स्टेट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। कौन से स्टेट में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। देन है व्हेन FAO वाज एस्टेब्लिश्ड। तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका है। तो ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1945 में। कहाँ? रोम इटली में, रोम इटली में। देन 18th क्वेश्चन है रिसेंटली द कड़कनाथ चिकन वाज गिवन GI टैग रिलेटेड टू विच स्टेट। जो कड़कनाथ चिकन है उसका GI टैग दिया गया है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। करेक्ट, कड़कनाथ जो चिकन है उसको GI टैग दिया गया मध्य प्रदेश के लिए। देन इसका 19th क्वेश्चन है वेयर इज द इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? IVRI इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना वाराणसी में है। और कानपुर में क्या है? कानपुर में IIPR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। और लखनऊ में क्या है? IISR है। कन्फ्यूज मत होना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ में है, और एक है इंस्टीट्यूट SBI, तो SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो तमिलनाडु में है। ओके, अब है वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड। जो रॉक गार्डन है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो रॉक गार्डन अपना चंडीगढ़ में है। ओके, आगे बढ़ते हैं 21th क्वेश्चन, वेयर इज द बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? तो बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार हरियाणा में है। और इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली, इज्जत नगर बरेली में है। देन है 22 क्वेश्चन व्हेन वर्ल्ड सॉयल डे इज सेलिब्रेटेड। जो वर्ल्ड सॉयल डे है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉयल डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे मनाया जाता है, 5 दिसंबर। और ये 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल हेल्थ डे है, इंटरनेशनल हेल्थ डे है। और 16 जुलाई को जानते हैं ICAR डे। ओके, देन 23 क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ ट्री मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देन है 24th क्वेश्चन व्हिच हैज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन IPL। तो कौन सा इंडिया का फर्स्ट प्लेयर था जो लगातार 2 सेंचुरी IPL में लगाया था? तो उसका करेक्ट आंसर था इसमें शिखर धवन। वहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन शायद एक रोहित शर्मा था, तो मोस्टली लड़के रोहित शर्मा लगाए थे, लेकिन यहाँ पे सॉरी दिया नहीं गया है रोहित शर्मा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है शिखर धवन था। देन हु इज द ऑथर बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। तो इंडिया कौन सा कौन ऑथर है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट का
ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है राम माथुर। देन यहाँ पे 25 के 25 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हुए होंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।